गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। माई सेल्फ डॉक्टर एके गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज डीडवाना। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं BSc सेकेंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों के लिए शेयर कर रहा हूँ। आज के विषय में मैं आपसे फिल्टर फीडिंग के बारे में बात करूंगा, छलनी भोजन के बारे में बात करूंगा। लोअर एनिमल्स का जो भोजन ग्रहण करने का तरीका होता है, पोषण का जो तरीका होता है, वो फिल्टर फीडिंग का होता है। ज़्यादातर क्या होता है फिल्टर फीडिंग या छलनी भोजन, उसको आप समझिए। म्यूकस या श्लेष्मा पक्षमाव स्पर्शक एवं सूक्ष्म पेशीय पोषण, जिसको कि आसन कहते हैं, सभी छानने एवं पोषण की विधि सभी फिल्टर की या फीडिंग की विधियां हैं। जल में पोषण डिफरेंट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम होती है। जल में फूड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन आमतौर पर कम होती है, अतः जल को छानने की क्रिया से पोषण कण या पोषक कण एकत्रित कर आहार नाल में पहुंचाए जाते हैं। आप जानते हैं पानी बहता रहता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या न्यूट्रिटिव पार्टिकल्स होते हैं, पोषण के कण होते हैं, पोषक कण, वो जंतु द्वारा ग्रहण करने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। उनको सीधे एंगल्फ नहीं कर सकते क्योंकि पानी में भोजन के कण बह जाते हैं। इसलिए जंतुओं के शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं विकसित हो जाती हैं जो कि बहते हुए जल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं, पोषक कण हैं, उनको वो चिपका करके या सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा अपने मुख के अंदर किसी न किसी तरीके से फंसा करके ग्रहण करता है और इस प्रक्रिया को फिल्टर फीडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आहार नाल में भोजन प्रवेश कर जाता है। अपरद कोशिकाएं या डिटरेंट्स पार्टिकल्स अक्रिय कणिकाओं पर अधिशोषित पदार्थ, मृत प्लवकी कोशिकाएं या प्लैंक्टोनिक प्लैंक्टोनिक सेल्स एवं सजीव पादप प्लवक जैसे डायटम्स, फ्लैजिलेट्स एवं जीवाणु, इनके पार्टिकल्स में आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें कणिकीय आहार में सम्मिलित किए जाने वाले अंश हैं। विभिन्न प्राणियों द्वारा इन्हें ग्रहण करने हेतु अनेक विधियां प्रयुक्त की जाती हैं और वो कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं वो आप समझिए। पहली विधि है पादाब पोषण अर्थात अश्न या सुडोपोडियल फीडिंग। इसमें क्या होता है, इसमें राइजोपोड्स जैसे राइजोपोड्स के द्वारा किस में होता है, अमीबा में, पोलिस्टोमेला में, प्रोटोजोन है ये, इनमें जीव द्रव से अनेक अंगुली नुमा पादाब निकलते हैं जो भोजन कप या फूड कप बनाकर भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है श्लेष्माब पोषण या म्यूकॉइड फीडिंग। अनेक प्राणियों के देह से म्यूकस साबित होता है जिसमें
अनेक छोटे छोटे प्राणी फंस जाते हैं और जो भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। इसी तरीके से एक विधि होती है जिसको कहते हैं लालबासी या ट्यूबोकोलस, ट्यूबिकोलस, TUBICOLOUS, ट्यूबिकोलस। इस विधि से उन जंतुओं जैसे एनिलिड्स, एनिलिडा के जंतु एवं हेमिकॉर्डेटा में भी श्लेष्माभ फीडिंग होती है या श्लेष्माभ फीडिंग का तरीका पाया जाता है। एसिडियंस जो कि यूरोकॉर्डेटा के एनिमल्स होते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स में, एवं एम्फीऑक्सिस में फेरिंग्स द्वारा श्रावित श्लेष्मा में आहार को फंसा कर ग्रसिका में भेजा जाता है। इस तरीके से इनमें जो भोजन हो ग्रहण करने का तरीका है वो होता है म्यूकॉइड फीडिंग या श्लेष्माव पोषण। तीसरे तरीके का जो पोषण ग्रहण करने का तरीका है वह कहलाता है सीलरी एंड फ्लेजिलर फीडिंग, पक्षमाप एवं कशावी पोषण। इसमें क्या होता है, अनेकों जंतुओं जैसे पैरामीशियम एवं युगलिना में सीलिया या फ्लैजिला को जल में इस प्रकार काम में लाया जाता है कि आहार कण युक्त जल जलधारा मुख की ओर प्रवाहित की जाती है एवं भोजन ग्रहण किया जाता है। इस तरीके से किन जंतुओं में भोजन ग्रहण किया जाता है वो है स्पॉन्ज, नालवासी एनिलिड्स एवं कुछ गैस्ट्रोपोड्स जो कि ससाइल होते हैं, स्थानबद्ध रहते हैं। इनमें इसी प्रकार से भोजन प्राप्ति होती है। हर्डमानिया एवं एम्फीऑक्सिस में गिल सरफेस से, गिल सतह से पक्षमाव स्पंदन कर जल की धारा को मुख के भीतर प्रवाहित कर जंतु के लिए आहार एकत्रित करने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से चौथा तरीका होता है स्पर्शकीय एवं सूक्ष्म पोषण, इंग्लिश में टेंटेक्यूलर एंड सिट्योस फीडिंग। किनमें होता है ये, कुछ सीलेंट्रेट्स एवं होलोथूरियंस, सीलेंट्रेट्स एवं होलोथूरियंस, ये समुद्री खीरा ये ककड़ी जिनको कहते हैं, उनके अंदर अपने स्वतंत्र गतिशील पक्षमापी स्पर्शकों के द्वारा, इनमें क्या होता है स्वतंत्र गतिशील पक्षमापी स्पर्शक होते हैं, उनके द्वारा आहार कणिकाओं को एकत्र करते हैं। और कुछ सीलेंट्रेट्स जैसे हाइड्रा एवं ओवेलिया में नेमेटोसिस्ट अर्थात दंश कोशिकाओं द्वारा इसी प्रकार से भोजन ग्रहण किया जाता है। पांचवा तरीका होता है पेशीय पोषण या मस्कुलर फीडिंग। मस्कुलर फीडिंग या पेशीय पोषण कैसे होता है, यह जलधारा को गति देने हेतु पेशियों को काम में लाया जाता है। इनके अंदर जलधारा को गति देने के लिए, वाटर करंट को फ्लो बनाने के लिए मस्कुलर मूवमेंट का उपयोग होता है। इन जंतुओं में जैसे अनेक जंतुओं में आहार युक्त जेलीफिश, मेड्यूसा, कीटोप्टेरस आदि में मसल्स क्रमाकुंचन कर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कर, तरंगित या लहरी गतियां उत्पन्न कर भोजन एकत्रित करने, छानने एवं पचाने में मदद करती हैं। किसमें, भोजन एकत्रित करने, छानने एवं पचाने में मदद करती हैं। इस तरह से इन जंतुओं में फिल्टर फीडिंग या
छलनी पोषण अशन अशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से कौन कौन सी विधियां हैं, पेशी पोषण, श्लेष्मीय पोषण, पादाव पोषण, पक्षमाव एवं कशाभी पोषण, स्पर्शकीय एवं सूक्ष्मय पोषण। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो कि जंतुओं में पोषण के लिए फिल्टर फीडिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सारा कुछ आपको मैंने एक्सप्लेन किया, क्या एनिमल्स में फिल्टर फीडिंग कैसे होती है। तो इस बिंदु के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के, सॉरी बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है आपके सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।